नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज में। दोस्तों, हमने आपको पहले भी बताया था कि ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच में चलने वाली है एक जंग। जंग क्या है? जंग तो बेसिकली नहीं बोल सकते हैं इसे बोल सकते हैं रेस। रेस है वेपन की रेस। हाल ही में ईरान को आपने देखा कि ईरान ने 16 बैलिस्टिक मिसाइलों को एक साथ दागकर पूरी दुनिया में सभी देशों की नींद उड़ा दी। और ये बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट से अमेरिका और इजराइल वाले ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। ये 16 बैलिस्टिक मिसाइलों के टेस्ट से पहले ना नॉर्थ कोरिया का जो टेस्ट होता था ना, उससे दुनिया की नींद जो थी टूट दी थी, क्योंकि नॉर्थ कोरिया वाला ना जाने कब बैलिस्टिक मिसाइलें दाग दे, किसी को अंदाजा भी नहीं था। और इस सिचुएशन में ईरान ने सबको सरप्राइज किया। अब नॉर्थ कोरिया को जैसे ही ये खबर पता लगी, वो भी हैरान हुआ कि मेरे को टक्कर देने वाला देश ईरान पैदा हो गया है, तो वो भी अब बराबरी करने के लिए उतर आया है। नॉर्थ कोरिया के ने अब एक बार फिर से एक महीने के अंदर तीसरा टेस्ट किया है और नॉर्थ कोरिया ने एक बार फिर से अपने अड़ोसी पड़ोसी और अमरीका की नींद उड़ा रखी है। दोस्तों, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन का कहना है कि अपनी कंट्री को सेल्फ डिफेंड करने के लिए वो इन मिसाइलों का टेस्ट कर रहा है, और इस सिचुएशन में अमेरिका जो उसकी मिसाइलों के टेस्ट के ऊपर सैंक्शन लगा रहा है, हम उस सैंक्शन के दबाव में अपने टेस्टों को कम करने वाले नहीं हैं। अमेरिका किसके लिए? अभी हाल ही में बुधवार को खबर आई थी कि 5 नॉर्थ कोरियंस के लोगों के ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं, क्योंकि वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी को लेकर एक व्यापार कर रहे थे और उस सिचुएशन में उनके ऊपर सैंक्शन लगाए गए हैं। अब दोस्तों, ये बातें अब आपको पता लगी। क्या आपको पता है नॉर्थ कोरिया वाले हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं? जी हाँ, हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी नॉर्थ कोरिया लगातार करता जा रहा है। और नॉर्थ कोरिया के पास अगर हाइपरसोनिक मिसाइल आ जाती है ना, तो वाकई में ही अमेरिका की नींद उड़ने वाली है। और आप देखिए कि एक ही महीने के अंदर 3-3 टेस्ट कर रहा है नॉर्थ कोरिया, जाहिर सी बात है कि अमेरिका की नींद उड़ेगी। अब नॉर्थ कोरिया वाला इतने जल्दी टेस्ट क्यों कर रहा है? दोस्तों, रशिया का और चाइना का सपोर्ट बहुत है नॉर्थ कोरिया को, और यही कारण है कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के बहुत नज़दीक है। बैलिस्टिक मिसाइलें तो उसने टेस्ट कर लिए हैं, और 2 शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों का टेस्ट हुआ है, और एक रेलवे बोर्न मिसाइल का टेस्ट बताया जा रहा है। बेसिकली उत्तर कोरिया ईरान को अपना प्लेस रिप्लेस करने नहीं देगा, और यही कारण है कि अमेरिका की भी नींद उड़ी हुई है कि नॉर्थ कोरिया वाले तो परेशान करते ही थे, अब ये ईरान वाले भी परेशान करने लगे हैं। और यहीं पर आप देखिए कि अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सिचुएशन ये भी थ्रेट की बन गई है कि नॉर्थ कोरिया हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में अगर कामयाब हो जाता है, और ये जो अभी शॉर्ट रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलें इसने टेस्ट की है ना, ये अपना रास्ता भी बदल सकती हैं, हाईली मैन्यूवरेबल हैं, और इसी के साथ ही इनकी स्पीड भी हाइपरसोनिक करने के लिए नॉर्थ कोरिया काम कर रहा है। बेसिकली दुनिया के लिए एक चिंता की बात है कि दुनिया एक बार फिर से वर्ल्ड वॉर 3 के खतरे की ओर बढ़ रही है। खैर, ईरान और नॉर्थ कोरिया के बीच ये जो रेस है रुकनी चाहिए। नॉर्थ कोरिया शायद तक प्रेशर बिल्डअप करना चाहता है। आज नॉर्थ कोरिया के हालात बहुत पतले हैं, खाने के लिए दाने नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया वाले बैलिस्टिक मिसाइल के लिए पैसा कहीं ना कहीं से जुटा लेते हैं। क्या कहना चाहोगे नॉर्थ कोरिया, अमेरिका और ईरान के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।